नमस्कार प्यारे छात्रों, आप हैं राजकुमार पटेल सर यूट्यूब चैनल पर। हम पढ़ रहे हैं एडग्रेट अभ्यास पुस्तिका। आज हम पढ़ेंगे कक्षा सातवीं की संस्कृत पुस्तक का तृतीय पाठ वलाद बुद्र विशिष्टि। और यह जो पुस्तक है सत्र 2024-25 की नई वाली पुस्तक है। तो आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आप यहाँ देखें लटलकार। लटलकार का अर्थ होता है वर्तमान काल। वर्तमान काल का बोध कराने के लिए लटलकार का प्रयोग किया जाता है। लटलकार के प्रयोग में धातु के साथ वचन एवं पुरुष के अनुसार प्रत्ययों के प्रयोग से धातु रूप बनते हैं। जैसे यहाँ देखें आप, प्रथम पुरुष में ती तह अंति, मध्यम पुरुष में सी था, उत्तम पुरुष में आमी आवाह आमा। इसी तरह से अब इसमें हम जब धातु जोड़ेंगे तो पठती पठता पठंती, पठसी पठता पठत और पठामी पठाभा पठामा, इस प्रकार से धातु रूप बनेंगे। बहुविकल्पी प्रश्न है। पहले प्रश्न पहला है बलाद विशिष्यते, तो इसका आंसर होगा चार नंबर का विकल्प बुद्धि। दूसरा प्रश्न है मृगेंद्र अस्ति, इसका दो नंबर का विकल्प सही है सहा। प्रश्न तीसरा है बुद्धिमान अस्ति, इसका बारह नंबर का विकल्प सही है सच का। चौथा प्रश्न है सह जले आपश्यत, इसका उत्तर है सौ प्रतिबिंबम, सात नंबर का विकल्प इसका सही है। और पांचवा प्रश्न है दुर्मुखम इति पदे उपसर्ग अस्ति, इसका द नंबर का विकल्प सही है दुर। आगे रिक्त स्थानानि पूर्यत, देखें आप छठवां है निर्बुद्धेस्तु कुतो खालिस्तान, जैसे भरेंगे हम बलम। सातवां है श्रुत्वा इति पदे खालिस्तान प्रत्यय, इसमें कत्वा प्रत्यय आधा का ता और वाम आ की कत्वा। आठवां प्रश्न है सूर्योदय समय सिंहस्य समीपम खालिस्तान आगक्षत, इसमें भरेंगे हम षष्कः। मंदम इति पदस्य विलोम पदम खालिस्तान अस्ति, इसमें भरेंगे हम शीघ्रम। और दसवां है सस्केन खालिस्तान निपात्यतः, इसमें हम भरेंगे पश्य सिंहो मदोन्मत्तः, पश्य सिंहो मदोन्मत्तः, यहाँ आप ध्यान से देखें। आगे है एक पदेन उत्तरम लिखत। प्रश्न ग्यारहवां है बलापेक्षया का महत्वपूर्ण, बल की अपेक्षा क्या महत्वपूर्ण है, इसका उत्तर होगा बुद्धि। बारहवां प्रश्न है का अति क्रुद्ध अवत, कौन अति क्रोधवित में था, तो इसका उत्तर है सहा। तेरहवां प्रश्न है कूपे का कूर्दति, इसका भी उत्तर होगा सहा। चौदहवां प्रश्न है बहुनाम पशुनाम वदम का करोति, इसमें बहुत से पशुओं का वध कौन करता था, इसका भी उत्तर होगा सहा। आगे है एक वाक्य में उत्तर लिखना है। प्रश्न पंद्रवा है क्षुदयः का पीड़ता है, इसका उत्तर है क्षुदयः सिंह पीड़ता है, शेर जो है वो भूख से पीड़ित था। सोलहवा प्रश्न है विलंबेन का आगता, इसका उत्तर है विलंबेन सस्कः आगता। सत्रहवा प्रश्न है हे सट कुत्र अस्ति सह अपरास है इति का अवदत, हे सट दूसरा शहर कहाँ है या किसने कहा था, तो यह वाक्य जो है हे सट कुत्र अस्ति सह अपरास है इति दुर्मुखा सह अवदत, यानी यह वाक्य जो है दुर्मुख नाम की सह ने कहा था। आगे है प्रश्न अठारहवा महोजस्वी सिंह कुत्र वस्ती स्म, इसका उत्तर है महोजस्वी सिंह एकस्मिन पर्वती वस्ती स्म, महोजस्वी सिंह एक पर्वत पर रहता था निवास करता था। आगे है दीर्घ उत्तर उत्तरम लिखत, अधोलिखित शब्दानाम संधि विच्छेदम कृत्वा संधि नाम लिखत, नीचे लिखे शब्दों का संधि विकसित करके हमें संधि का नाम लिखना है। जैसे राजेशा तो राजधन ईशा, इसमें है गुणस्वर संधि। आगे है देखें आप सर्वेशा की हम संधि विकसित करेंगे सर्वधन ईशा, संधि का नाम है गुणस्वर संधि। मंद गतेव्य, इसमें है मंद गत्या धन एवह, इसमें है वृद्धिश्वर संधि। बुद्ध एवह बुद्ध्या धन एवह, इसमें वृद्धिश्वर संधि है। मदोन्मतः मद धन उन्मतः, इसमें गुणस्वर संधि है। जलोभा जल धन उभा, इसमें वृद्धिश्वर संधि है। आगे देखें बीसवां प्रश्न है बुद्धिरस्य बलम तस्य इति श्लोकम प्रपूर्यत, इस श्लोक को हमें पूरा करना है। बुद्धिरस्य बलम तस्य निर्बुद्धिस्तेतु कुतो बलम पश्य सिंहो मदोन्मतः सस्केन निपातितः। आगे देखें आप इक्कीसवां प्रश्न है सिंह कूपे किमर्थम क्रोधति, सह जो है वो कुएं में क्यों कूदा, इसका उत्तर है दुर्मुखा तस्य कूपस्य जले स्वप्रतिबिंबम पश्यति सह स्वप्रतिबिंबम एव अपरम सह मत्वा गर्जति तस्य गर्जनस्य प्रतिध्वनि भवति अतः कूपे अपरा सह अस्ति इति विचिन्त्य सह कूपे कूर्दति मृत्युं च प्राप्नोति,
इस तरह से प्यारे छात्रों, इस वीडियो के माध्यम से हमने तृतीय पाठ बलाद बुद्धिर विशिष्यति के प्रश्नोत्तरों को पूरा किया। आगे के पाठ के वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद। जय हिंद। वंदे मातरम।